दो साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद फाइनली पाई टोकन मेरे मेननेट वॉलेट में आ चुके हैं। और कितने टोकन आए हैं, कितने अभी पेंडिंग है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आपको चेक करना है और क्या क्या टास्क आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ये टोकन आएंगे, तो ये सारी चीज़ें वीडियो को बताऊंगा ही। बट उससे पहले जिन लोगों की KYC अभी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर टीम की तरफ से आ रही है। क्या है वो खबर और क्या इम्पैक्ट होगा उसका आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और रही बात पाई टोकन की वैल्यू की, तो वो मैं आगे जब भी ऑथेंटिक न्यूज को आएगी तो मैं आपको वीडियो में सबसे पहले बता ही दूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो या फिर हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये मेरा पाई नेटवर्क का मेन इंटरफेस है। जब आप पाई एप्लीकेशन ओपन करोगे, माइनिंग ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाई ब्राउजर, दिस इज पाई माइनिंग ऐप। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, जो मेननेट वाला है टास्क, ये आपको सारे कंप्लीट करने हैं। तो जब इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर बैलेंस टू मेननेट, अभी यहाँ पे मेरा फिलहाल सिर्फ 1.24 पाई दिखा रहा है और मेरा अनवेरीफाइड बैलेंस अभी 1352 टोकन है, जो कि अनवेरीफाइड है और ये आगे आने वाले टाइम में मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो मेरी रेफरल टीम है जब वो KYC कर लेगी तो उसके बाद मुझे ये टोकन भी अपने मेननेट में मिल जाएंगे। अब माइग्रेटेड टू मेननेट, यहाँ पे जो ये टोकन जो है ये माइग्रेट हो चुके हैं, 809 टोकन मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। और ये जब मैंने सबमिट किया था माइग्रेशन का टास्क कंप्लीट करके, तो उसके 48 आवर्स के अंदर मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ 809 टोकन को, मैं दिखाता हूँ हमारे मेननेट बैलेंस में, जहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज करके ये आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 टोकन जो दिख रहे हैं ये आपको टेस्टनेट टोकन है, तो उसके लिए आपको पहले मेननेट में चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेननेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे टोकन जो है मेननेट टोकन है 809, दो ट्रांजेक्शन दिया, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन करते हैं ये लोग चेक करने के लिए और उसके बाद सेकेंड होती है ये, फिर कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे जो है आप क्लिक करोगे तो ये देखें डेस्टिनेशन, अच्छा लॉकअप पीरियड मेरा, मैंने 6 महीने का लॉकअप पीरियड डाला हुआ था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन हैश भी है, जो कि आप ब्लॉक एक्सप्लोरर पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पर जाके इस ट्रांजेक्शन हैश को डाल के चेक कर सकते हैं। वो कहाँ पे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है एक्सप्लोरर कहाँ पे है, दैट इज आई थिंक ये है blockchain.py। तो यहाँ पे आप डालोगे ट्रांजेक्शन हैश को, अकाउंट को, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा 5 दिन पहले का, ये मेरा 22 जुलाई को मेरे अकाउंट में ये आए थे ट्रांजेक्शन्स। ये टोटल पूरा ब्लॉक है, इन्हीं में से कहीं मेरा एक ट्रांजेक्शन होगा, अभी एग्जैक्ट टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसके लिए आपको मेननेट टास्क कंप्लीट करने हैं। और मेननेट चेकलिस्ट ये वाली है, आपको पाई ब्राउजर एप्लीकेशन वॉलेट डाउनलोड करना है, कन्फर्म वॉलेट यहाँ पर डालना है, कमिट टू लॉकअप कॉन्फिगरेशन करना है, KYC एप्लीकेशन सबमिट करना है, KYC रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद माइग्रेशन मेननेट में क्लिक कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे KYC की बात आती है। तो KYC के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है, 25th की न्यूज़ है, मास और लार्ज स्केल KYC हैज स्टार्टेड। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है कि KYC पॉपअप हमारे पास नहीं आ रहा, अब आपको बहुत जल्दी जल्दी पॉपअप दिखाई देगा। और जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था KYC पॉपअप कभी आया था, तो उन लोगों को भी अभी दोबारा मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इन्होंने लिखा हुआ हैज स्टार्टेड एंड बीन डिप्लॉयड इन रैंडम बैचेज, वेट फॉर योर टर्न टू गेट द पॉपअप इन्विटेशन व्हेन यू ओपन द पाई ऐप एंड क्लिक द दैट इज आइकन टू स्टार्ट न्यू माइनिंग सेशन। ये जो आप आइकन जब प्रेस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको पॉपअप दिखाई देगा। ये आइकन आप कहाँ मिलेगा, ये जब आप जाओगे पाई माइनिंग ऐप में, तो ये इस आइकन की बात कर रहे हैं, ये जो आइकन है जहाँ पे आप प्रेस करके फिर माइनिंग स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको पॉपअप एप्लीकेशन आएगा जब ये माइनिंग आप स्टार्ट करोगे। तो उसको करना क्या है यहाँ पे, सो इफ़ यू डोंट गेट इट टूडे डोंट वरी बी एक्टिव डेली एंड ओपन द पाई ऐप एटलीस्ट वंस ए डे। एक बार आप ओपन करोगे, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट का वेट करो, उसके बाद पॉपअप आ जाएगा, देन आप KYC स्टार्ट कर सकते हो और KYC सबमिट कर सकते हो। बहुत जल्दी KYC कर रहे हैं अभी, काफ़ी लोगों को KYC की पॉपअप आना स्टार्ट हो गई है, जिन लोगों की आईडी रिजेक्ट हो गई थी या जिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था जो पहले ऑफर आया था, वो सारे सब के लोगों को या जिन लोगों को कभी आया नहीं आज तक, अब मास लार्ज स्केल KYC स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से आप ओपन करें, चेक करें, और अगर अभी तक आपने माइनिंग स्टार्ट नहीं किया है, हाई बहुत ज़्यादा है, माइनिंग आप कर सकते हो,
लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। कुछ भी डाउट है टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।